ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डायमेंशन का बेसिक सेटिंग देखा था, तो इस वीडियो में हम डायमेंशन का एक्स्ट्रा सेटिंग देखेंगे, वो किस तरह से है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कमांड लेता हूँ डी इंटर, उसके बाद मॉडिफाई और उसके बाद लाइन। तो देखिए, लाइन में हमारा पूरा सेटिंग हो गया था। उसके बाद जो बचा था ये देखिए, बेस लाइन स्पेसिंग, तो वहाँ पर आपको 8 देना है इस तरह से, और ओके करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेस लाइन स्पेसिंग किस तरह से है। फिलहाल इसको ओके कीजिए, करंट सेट और क्लोज। तो देखिए, ये आपके सामने एक फिगर है, तो उसमें देखिए कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। इसको बेस लाइन डायमेंशन कहा जाता है, मतलब वो इस तरह से आते हैं, एक के नीचे एक इस तरह से, और दो डायमेंशन के बीच का जो गैप है उसे बेस लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, इस तरह से है। तो मैं फिर से कमांड लेता हूँ 8 डी इंटर, उसके बाद देखिए मॉडिफाई और फिट में जाना है। और फिट में यहाँ पे लिखा है यूज़ ओवरऑल स्केल, तो 1 है। अगर आपका स्केल यहाँ पे बढ़ता है, जैसे कि मैं 100 करता हूँ, तो ये 100 × 8 हो जाएगा, जो मैंने बेस लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से फिर ये जो स्पेसिंग है, ये जो लिखा हुआ, वो 800 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्केल होता है। आप जो भी स्केल यहाँ पर देंगे वो 8 हो जाएगा, तो वो इस तरह से है। तो उसके बाद फिर से मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, उसके बाद है सिंबल एंड एरो। तो उसमें देखिए, उसमें नीचे के साइड में है डायमेंशन ब्रेक, तो उसका डिस्टेंस आपको 1 रखना है, या 1, 1, 2 वगैरह रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको 1 रख के बताता हूँ किस तरह से है और उसका डायमेंशन किस तरह से आता है। तो इसको 1 रखेंगे, ओके करेंगे, करंट सेट और क्लोज। उसके बाद ये देखिए, अगर दो डायमेंशन आपके इस तरह से आ रहे हैं, एक डायमेंशन ऐसा आ रहा है और दूसरा डायमेंशन देखिए इसको ऐसा क्रॉस कर रहा है, तो इन दो डायमेंशन को एक कमांड है डायमेंशन ब्रेक। तो उस कमांड के जरिए इस तरह से ब्रेक किया जाता है। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है उसको डायमेंशन ब्रेक साइज कहा जाता है। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है उसको, तो वो जो डिस्टेंस है वो आपका 1 दिया हुआ है। तो वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं कमांड लेता हूँ, देखिए डायमेंशन लीनियर, और इस तरह से मैंने देखिए एक डायमेंशन लिया और दूसरा डायमेंशन इस तरह से मैंने लिया। देखिए, मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ। उसके बाद ब्रेक लाइन डायमेंशन है, वो कमांड आपको यूज़ करके बताता हूँ। देखिए डायमेंशन, और यहाँ है ब्रेक लाइन, ये देखिए ये वाला, ये कमांड आपको लेना है, इसको सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो देखिए, इस तरह से ये गैप जैसा आ गया, तो उसका आप डिस्टेंस चेक करेंगे इस तरह से, तो वो 1 रहेगा। ये देखिए, वो 1 रहेगा। अभी देखिए, मैं इसको चेंज करता हूँ, डायमेंशन में फिर से जाता हूँ, मॉडिफाई, और उसके बाद देखिए यहाँ ब्रेक साइज है, उसको मैं 3 करता हूँ, ओके करता हूँ, करंट सेट करता हूँ, तो बढ़ जाएगा। देखिए, तो ये साइज बढ़ गया, तो 3 हो गया। तो इस तरह से आप ये डायमेंशन ब्रेक का रख सकते हैं। तो देखिए, वो इस तरह से है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन ब्रेक लाइन का स्पेसिंग किस तरह से रखा जाता है। दोस्तों देखिए, उसके बाद का ऑप्शन है देखिए मार्क। तो मार्क में इधर फिलहाल मैं 2 देता हूँ, ओके करता हूँ, सेट करंट और क्लोज करता हूँ। उसके बाद देखिए एक सर्कल है, तो सर्कल का जो मिडल पॉइंट है उसके लिए मार्क का यूज़ होता है। तो उसके लिए देखिए डायमेंशन में कमांड है सेंटर मार्क, तो इसको आपको लेना है। उसके बाद आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से मार्क आएगा, और वो मार्क का साइज़ है देखिए, हाफ जो साइज़ है वो साइज़ रहता है, जैसे कि वहाँ पे 2 दिया हुआ था इस तरह से। अभी देखिए, मैं ये साइज़ चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ, ओके करंट सेट क्लोज। तो उसके बाद देखिए, आप फिर से कमांड लेंगे तो वो डिस्टेंस अभी 5 आएगा। ये देखिए सेंटर मार्क, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देखिए इस तरह से वो आता है, तो ये डिस्टेंस है वो 5 है। तो देखिए मार्क का यूज इस तरह से है। तो दोस्तों, उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे है जोग एंगल, तो वो मैंने 45 डिग्री दिया हुआ है, वो किस तरह से आता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो फिलहाल मैं ओके करता हूँ, करंट सेट क्लोज। उसके बाद देखिए, आपके सामने एक आर्क है और उसका सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ पर है। लेकिन कभी कभी आपको ड्राइंग में क्या रहता है कि आप यहाँ से उसका डायमेंशन मेंशन नहीं कर सकते, मतलब ये सेंटर पॉइंट, तो आप यहाँ से उसका रेडियस बताते हैं और यहाँ पे स्टॉप करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं, तो उसे जोग डायमेंशन कहा जाता है। तो किस तरह से करते हैं वो बताते हैं मैं आपको।
उसके बाद डायमेंशन में जाएंगे। तो यहाँ पे है देखिए ये योग, तो उसको हम लेंगे। उसके बाद आर्क को इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आपका देखिए पॉइंट यहाँ है, लेकिन आपको यहाँ रखना है तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आपका योग जो इस तरह से आएगा, योग डायमेंशन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद देखिए ये उसका एंगल है, और उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए ये जो एंगल आपका तैयार हुआ है वो यहाँ पे मेंशन होता है। देखिए मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे जो 45 डिग्री रखा हुआ है वो एंगल है। तो मैं आपको बताता हूँ वो, इसको देखिए मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसको एक्सप्लोर करता हूँ और आपको एंगल बताता हूँ। तो ये देखिए ये वो एंगल है 45 डिग्री। तो इस तरह से इसका एंगल रखा जाता है। अगर आप ये एंगल चेंज करते हैं यहाँ से तो वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए मॉडिफाई, मैं इसको 30 डिग्री करता हूँ, करंट सेट और क्लोज। उसके बाद देखिए फिर से आप डायमेंशन देंगे तो उसका एंगल देखिए इस, ये देखिए अभी चेंज हो गया एंगल। देखिए उसका एंगल इस तरह से आएगा, ये देखिए ये अभी 30 डिग्री का आ गया आपका एंगल। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, कॉपी उसको एक्सप्लोर करता हूँ मैं, डायमेंशन एंगुलर। तो देखिए ये 30 डिग्री, तो इस तरह से उसका एंगल ये देखिए रखा जाता है। तो उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं, डी इंटर मॉडिफाई। उसके बाद यहाँ पे है देखिए जोक हाइट फैक्टर एक्स हाइट, तो मैंने 1 रखा हुआ है। तो वो किस तरह से आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल मैं ओके करता हूँ, करंट सेट और क्लोज। तो उसके बाद देखिए मैं एक डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन लीनियर इस तरह से। उसके बाद डायमेंशन में जाने के बाद यहाँ पे जोक लीनियर, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ। और इस डायमेंशन को अगर आपको ब्रेक लाइन में जैसे आप दिखाते हैं तो उसको जोक डायमेंशन में आप दिखा सकते हैं। तो इसको क्लिक करना है इस तरह से, फिर ये आपका जोक का जो साइज़ आएगा उसको जोक साइज़ कहा जाता है। तो देखिए ये वो साइज़ है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए जोक हाइट फैक्टर तो 1 है। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, 3 करता हूँ, तो देखिए उसका साइज़ बढ़ जाएगा। देखिए इसका साइज़ बढ़ गया। अगर मैं इसको कम करता हूँ फिर से, ये देखिए फिर से मैं इसको 1.5 करता हूँ, तो इसका साइज़ देखिए कम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से ये जोक का साइज़ है। तो उसके बाद देखिए टेक्स्ट में क्या है देखते हैं। तो देखिए टेक्स्ट में कुछ नहीं है। उसके बाद हम फीट में जाएंगे, तो देखिए फीट में इतने सारे ऑप्शन है, वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए पहला ये ऑप्शन है टेक्स एन एरो। तो उसको मैं ओके करता हूँ, करंट सेट और क्लोज। तो देखिए वो इस तरह से आएगा, आइदर टेक्स और एरो, तो वो इस तरह से आते हैं। देखिए एक तो आपका एरो देखिए इस तरह से अंदर के साइड में आएगा, बाहर के साइड में इस तरह से भी आ सकता है। वो किस तरह से आता है मैं आपको करके बताता हूँ। तो मैं कमांड देता हूँ, देखिए इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ। उसके बाद देखिए मैं डायमेंशन रेडियस लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद देखिए इसका डायमेंशन आ गया। तो मैं अगर इधर क्लोज करता हूँ तो इस तरह से आएगा। उसके बाद फिर से मैं इंटर करता हूँ, फिर से डायमेंशन लेता हूँ। तो उसके बाद देखिए इस टेक्स को आप ऐसा खींच के लंबा करके रख सकते हैं, तो ये एक इसमें ऑप्शन है। आप ऐसा क्लोज भी रख सकते हैं और ऐसा लंबा करके भी इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं कमांड लेता हूँ, और उसके बाद देखिए आपको अंदर के साइड में इस तरह से देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 ऑप्शन है इसमें, ये देखिए इस तरह से अंदर दे सकते हैं, बाहर दे सकते हैं और ऐसा लंबा खींच सकते हैं। तो ये पहले ऑप्शन में आप इस तरह से कर सकते हैं, आइदर टेक्स और एरो। उसके बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ मॉडिफाई। उसके बाद देखिए ये सेकेंड ऑप्शन में लेता हूँ एरो, तो उसको ओके करता हूँ, करंट सेट करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो देखिए एरो इस तरह से आता है, मतलब आपका जो टेक्स है अगर आपका सर्कल छोटा रहेगा तो टेक्स आपका इस तरह से बाहर की तरफ आएगा। तो देखिए मैं कमांड लेके बताता हूँ, डायमेंशन रेडियस, इसको क्लिक करते हैं। तो देखिए इसको मैं बाहर की तरफ, ये देखिए कर्सर करता हूँ, तो इसकी तरह वो टेक्स इस तरह से ऐसा लंबा नहीं आ सकता। ये देखिए इधर स्टॉप हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं इसकी तरह वो ऐसा जैसे ये मैंने लंबा खींचा था तो उस तरह से वो नहीं आ सकता, और ये बाहर की तरफ भी इसका एरो आता है। तो
यहाँ पे इतना ही आप रोक सकते हैं इसको और क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आता है एरो करके। उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं टेक्स्ट। तो देखिए मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ इस तरह से, ओके करता हूँ, करंट सेट और क्लोज। उसके बाद देखिए मैं कमांड देता हूँ, तो कमांड देने से पहले आप देख लीजिए ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट का एरो इस तरह से रहेगा, मतलब एरो जो रहेगा वो अंदर की साइड में रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। और एरो जब भी हमने रखे थे उसमें देखिए जो एरो था वो बाहर की साइड में आया था, तो इसमें उल्टा होता है, एरो अंदर की तरफ रहता है। तो फिर से मैं आपको कमांड लेके बताता हूँ, डायमेंशन रेडियस, ये देखिए, ये देखिए, तो आपका जो एरो है वो अंदर की तरफ रहेगा इस तरह से। तो ये टेक्स में होता है। उसके बाद देखते हैं बोथ टेक्स एंड एरो। उसके लिए फिर से मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, उसके बाद देखिए ये ऑप्शन देता हूँ बोथ टेक्स एंड एरो, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, करंट सेट और क्लोज। तो इसमें क्या होता है देखिए, उसमें आप अगर आपका सर्कल छोटा है तो उसका एरो आपका बाहर की साइड में आएगा डायमेंशन का, और आपका सर्कल बड़ा है तो उसका एरो आपका अंदर की साइड में भी रहेगा, मतलब वो दोनों साइड में रहेगा, अंदर और बाहर की साइड में। तो मैं आपको लेके बताता हूँ डायमेंशन रेडियस। तो देखिए पहले मैं छोटे सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से वो बाहर की तरफ आएगा। अगर आपका सर्कल बड़ा है तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपका एरो ये देखिए सर्कल के अंदर रहेगा, तो इस तरह से वो आएगा। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन का यूज़ होता है, जैसे कि इसमें दो अलग अलग है, जो एक बाहर की तरफ आता है एरो और एक अंदर की तरफ आता है। तो ये दोनों ऑप्शन इस ऑप्शन में कंबाइन है, तो इस ऑप्शन इसमें दोनों ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। तो उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं ऑलवेज कीप टेक्स बिटवीन एक्सिस लाइन, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, करंट सेट और क्लोज। तो देखिए ऑलवेज कीप टेक्स बिटवीन एक्सिस लाइन का मतलब है देखिए अगर आपका छोटे सर्कल के ऊपर आप डायमेंशन इस तरह से देते हैं तो देखिए उसका एरो बाहर की तरफ आएगा और ये टेक्स है जो वो इस एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, मतलब आप इस तरह से पीछे की साइड में इस तरह से ऐसे लेते हैं उस तरह से वो नहीं आएगा, वो इसी एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर आपको बड़ा सर्कल है तो भी आपका वो टेक्स उसी के ऊपर आएगा। तो मैं आपको कमांड लेके बताता हूँ डायमेंशन रेडियस। पहले मैं छोटे सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए वो इस तरह से आएगा। आप इस तरह से बाहर वगैरह उस टेक्स को नहीं खींच सकते, तो उसी एक्सिस के ऊपर आएगा उस तरह से। एक बार फिर से मैं इंटर करता हूँ कमांड और बड़े सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए तो बड़े सर्कल में भी उसी तरह होता है, वो इसी एक्सिस के ऊपर आएगा उसका टेक्स। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले इसको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे है टेक्स प्लेसमेंट, तो उसके बाद का पहला ऑप्शन हम देखेंगे बी साइड द डायमेंशन लाइन, उसको मैंने क्लिक किया है, ओके, करंट सेट और क्लोज। देखिए आपके किस तरह से ऑब्जेक्ट है, अगर आपकी छोटे डायमेंशन है जैसे 5 mm, 3 mm वगैरह, तो उस केस में वो डायमेंशन किस तरह से आता है वो बताता हूँ। तो मैं कमांड लेता हूँ डायमेंशन लीनियर, और देखिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए आपका जो डायमेंशन है, डायमेंशन का जो टेक्स है वो देखिए इस तरह से आ रहा है, आपका एरो इस तरह से आ रहा है और डायमेंशन का टेक्स इस तरह से आ रहा है, तो इसमें ये इस तरह से होता है। उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं मॉडिफाई। उसके बाद देखिए ये देखते हैं ऑप्शन ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर, तो वो किस तरह से आता है वो देखते हैं। तो उसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके, करंट सेट और क्लोज। उसके बाद देखिए मैं फिर से डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। तो उसके बाद देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन है वो आपका इस तरह से आएगा ओवर एट लीडर की तरह, मतलब ये आपका टेक्स जो आएगा वो इस तरह से आएगा लीडर के ज़रिए। तो देखिए आपका लीडर के ज़रिए इस तरह से आएगा, पहले ऑप्शन में आपका इस तरह से आया था, तो दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं वो डायमेंशन लीडर के ज़रिए इस तरह से आएगा। उसके बाद का तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखिए मॉडिफाई, और फिर से मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ। उसमें देखिए लिखा हुआ है ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट एरो, तो किस तरह से आता है वो देखते हैं, ओके, करंट सेट क्लोज। तो फिर से मैं डायमेंशन लेता हूँ, देखिए इस तरह से, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। तो देखिए इसमें इस तरह से आएगा, मतलब ये जो डायमेंशन है उसके ऊपर के साइज में आपका टेक्स आएगा,
ये देखिए, इसमें पहले ऑप्शन में क्या हुआ था, इस तरह से टेक्स्ट गया था, दूसरे में लीडर के जरिए आया था, तो तीसरे में आपके डायमेंशन के ऊपर आएगा इस तरह से टेक्स्ट। तो उसके बाद को ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो नीचे का सेटिंग है, ड्रॉ लाइन बिटवीन एक्स एक्सिस लाइन, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि ऊपर का सिलेक्शन करने से किस तरह से होता है। देखिए, मैं इसको निकाल देता हूँ और प्लेस टेक्स मैनुअली ये सिलेक्शन करता हूँ, ओके करता हूँ, करंट सेट और क्लोज। उसके बाद देखिए, कोई भी मैं डायमेंशन लेता हूँ इस तरह से, डायमेंशन लीनियर, देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए, आपका जो टेक्स है वो आपके इस तरह से एक्सिस के हिसाब से आपके देखिए मूव होते रहेगा। अब जहाँ चाहिए वहाँ पे उसको क्लिक करके रख सकते हैं, देखिए इस तरह से। फिर से मैं कमांड देता हूँ, ये देखिए, अगर मुझे इस तरफ रखना है तो इस तरह से रख सकता हूँ। तो इस ऑप्शन में इस तरह से आता है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन वो आपको निकाल के ऑप्शन। उसके बाद देखिए, मैं ये ऑप्शन लेता हूँ, ओके करंट सेट क्लोज। तो इस ऑप्शन में देखिए, डायमेंशन ये जो टेक्स का साइज है वो मिडल में रहेगा, वो आपके इस एक्सिस के हिसाब से मूव नहीं होते रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो इस तरह से तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा सेटिंग था डायमेंशन का इस वीडियो में। अगर आपको ये एक्स्ट्रा सेटिंग कभी आपके ड्राइंग के हिसाब से लगता है तो आप ये एक्स्ट्रा सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, आप हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, हमारे वीडियो देखने से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है या नया कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।